वो जगह चली थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जगजीवन राम बन जाते हैं, पढ़ा लिखा, कहते हैं थोड़ा पढ़ा गांव से गया और ज्यादा पढ़ा समाज से गया। यही कहानी होती है हमारे साथियों की, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो समाज को भूल जाते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो शायद समाज उनको याद आने लगता है कि भाई अपने समाज के लिए करना चाहिए। मेरा उन सभी साथियों से, और जो साथी इस समय पे अपने सरकारी सेवाएं दे रहे हैं सरकार को, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जहां पर भी जितना भी समाज का भला कर सकते हैं वो करें। और रही बात यह कि दो नंबर का पैसा भी कर लेते हैं, ये तो सुविधा शुल्क है, बिना उसके काम होता नहीं है किसी भी ऑफिस में, वो ले खूब ले, मगर समाज के लिए भी खूब दिल भर करके दे, दान दे। और दूसरी बात, अगर आपके पास में पैसा है तो अपने कुछ बैंक भी बनाओ, हमारा बहुजन बैंक भी होना चाहिए हमारे पास में, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए। उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कई सारे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फाइनेंशियल पर, इन चीजों पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम अपनी लड़ाई हार जाएंगे। माननीय काशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया था वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चलाई थी, और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो पॉलिटिकल पावर गेन किए बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा फाइनल एम तो पॉलिटिकल गेन करना ही है। बहुजन सोशल फ्रंट कभी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतार रहा, मगर बहुजन सोशल फ्रंट के माध्यम से आप सभी साथियों को ये निवेदन करना जरूरी है कि भाई जो बाबा साहब के विचारों वाले लोग हैं, बाबा साहब को लेकर चलने वाली जो मूवमेंट है, वो वाली जो पार्टियां हैं, आप उनको चुने, और उनमें से भी जिनको चुने, क्योंकि अब तो बहुत सारी पार्टियां आ गई, उनमें से भी जिनको चुने जो मजबूत है और जीत के ज्यादा नजदीक है। तो मैं बात कर रहा था एजुकेशन की, इकोनॉमिकल एजुकेशन, इकोनॉमिकल और शैक्षणिक, और तीसरा एक चीज और रह गई है, तीसरे पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, हेल्थ पे। आपने देखा होगा, कहते हैं कि बच्चों को हमें बच्चों कहां पढ़ाने हैं, प्राइवेट स्कूल में, इलाज कहां कराना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर नौकरी कैसी कौन सी चाहिए, सरकारी नौकरी, सरकारी चाहिए। अगर हमें नौकरी सरकारी चाहिए तो उस बारे में भी हमें सोचना होगा कि ये हेल्थ का जो मामला है, कि देखिए आज क्या होता है, एक व्यक्ति के इलाज में एक व्यक्ति से वो इतना पैसा ले लेते हैं, क्योंकि पैनल होता है ना, सरकारी पैनल होता है, सरकारी पैनल के माध्यम से इतना बिल बना करके दे देते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम कि एक मरीज के बिल से ही एक दूसरा कमरा खड़ा कर देंगे, वेल फर्निश्ड सारे इक्विपमेंट लगे हुए, तो उनका बिजनेस कहां जाएगा, उनको आप किस किस तरीके से कौन कौन से मौके पर मीट करेंगे। साथियों, हमें इन सारे मौकों पर, सारे मोर्चों पर सोचने की जरूरत है। बाकी जो सोशल बातें हैं, एक सोशल बात और है रिलीजन की, कहते हैं अभी मैं फेसबुक पे भी हूं और इस पे भी हूं, व्हाट्सएप पे भी, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आरक्षण खत्म करो। मैं भी कहता हूं कि आरक्षण को खत्म कर दो, मगर मंदिरों में जो बैठे हुए हैं वहां पर आरक्षण लागू कर दो भाई। मेरे इसमें फोन में बहुत सारी टिप वो है, बहुत सारी वीडियो है, मंदिरों में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर 10 साल भी इस देश के अंदर कोई पैदावार ना हो, कुछ भी पैदा ना हो इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अगर 10 साल भी पैदा ना हो, उसके बावजूद भी इतनी दौलत है मंदिरों में कि उससे पूरा भारत 10 साल तक बैठ करके खा सकता है, सारी अर्थव्यवस्था एज इट इज चल सकती है। मगर दुख की बात क्या है, उन मंदिरों में चढ़ावा देने के लिए कौन जाता है, चढ़ावा तो हम ही देते हैं, चढ़ावा तो हम ही देते हैं। दुख की बात यहां पर आती है कि हमारे जितने भी सुशिक्षित पढ़े लिखे साथी हैं, अगर उनसे धर्म के बारे में कुछ नहीं कहते, बोले भैया इस पे बात मत करो, ये हमारी श्रद्धा का मामला, ये हमारी श्रद्धा का मामला है, इसके ऊपर बात नहीं सुनेंगे हम, किसी की बात नहीं मानेंगे। बुद्धिज्म में एक बात सिखाई जाती है, तीन मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि,
दक्षिणा की बिल्कुल नहीं है कि बुद्ध की शरण में जाओ। उद्धव शरण में दक्षिणा का सीधा सीधा सा अर्थ है कि ज्ञान के मार्ग पे चलो। आई एम वॉकिंग, आई गो टू वॉक ऑन द पैथ ऑफ नॉलेज। मैं ज्ञान के मार्ग पे चलने की का संकल्प लेता हूं। और दूसरा है धम्मम शरणं गच्छामि, मैं अपने जीवन का एक ऐसा शेड्यूल बनाने का संकल्प लेता हूं। मैं ये तय करने का संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन को के किस किस हिस्से में क्या क्या काम करूंगा, अपने साल के कौन कौन से महीने में क्या क्या काम करूंगा, अपने महीने के कौन कौन से हफ्ते में क्या क्या काम करूंगा, और अपने महीने के कौन कौन से दिन में क्या क्या काम करूंगा, और दिन के कौन कौन से हिस्से में क्या क्या काम करूंगा। ये बनाने का एक शेड्यूल बनाने का मतलब है धम्मम शरणं गच्छामि, जीवन जीने की शैली। ये सीधे से अर्थों में है जीवन जीने की शैली। और उसका उसके बाद है संगम शरणं गच्छामि, मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने परिवार को एक जगह रखूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ अपने मोहल्ले को एक जगह पर रखूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ अपने गांव को एक जगह पर रखूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ अपने जनपद को एक करके रखूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम इन तीनों मंत्रों को अपने जीवन में उतार लें, हमारी समस्याएं बड़ी अच्छी तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकती है। और संख्या तो हमारी ज्यादा है, संख्या तो हमारी ज्यादा है, मगर दुख की बात क्या है कि कहीं पे भी कोई व्यक्ति आ जाता है, हम कहते हैं बार बार कहते हैं इन बातों को, जगह जगह पे कहते हैं, 4 किलो दूध को मीठा करने के लिए 250 ग्राम चीनी कम रह जाएगी, मगर नींबू की और जिसकी एक बूंद उसको विषैला बनाने के लिए और दूध को फाड़ने के लिए काफी होगी। और यही काम हमारे मिशन में हुआ जिसको कांशीराम जी ने पैदा किया, उसमें यही हुआ, उसमें नींबू डल गया, इसकी बूंदे डल गई। जिन लोगों के साथ में हमारा संघर्ष था वो ही हमारे सिर पे बैठा दिए। तो दुख की बात यही है, किसी भी मिशन को खत्म करने के लिए 3 स्टेज होते हैं। पहला, जब बीज डाला जाता है तो बीज जैसे ही निकल करके आता पौधा, उसको निकाल दो, खत्म समस्या, जड़ से उखाड़ दो समस्या। मगर कांशीराम जी अकेले थे, कांशीराम जी इस देश में अलग जगा रहे थे, बहुजन को इकट्ठा कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि थैला लेकर करके एक ये हैंड पाइप पे बोलने वाला व्यक्ति क्या कर लेगा हमारा। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और कांशीराम जी का कारवा इतना आगे निकल गया कि उनके कंट्रोल में नहीं आया। दूसरा स्टेप होता है किसी भी मूवमेंट को खत्म करते करने के लिए, किसी पेड़ की छाल उतार देते हैं, पेड़ का छिलका उतार दिया तो पेड़ सूख जाएगा, अर्थात किसी भी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दो, मारना पीटना शुरू कर दो, उनको इतना टेररिज़ कर दो ताकि मूवमेंट आगे ना बढ़े और वो अपने मूवमेंट में ना जाए। जैसे आज हम संगोष्ठी कर रहे हैं, अगर हमको कोई वहां पर डरा देगा, हमारे घर में निकलने से पहले हमें मारना पीटना शुरू कर देगा या वहीं पर डरा देगा कि कहां जा रहा है, जाने नहीं देंगे, तो मूवमेंट में ही सफल होगा। और वो भी जब स्थिति निकल गई तो तीसरी स्थिति बचती है कि बी अ पार्ट ऑफ द सेम, उसके हिस्से बन जाओ और इतने सगे बन जाओ उस हिस्से में, उसके हिस्से बन करके कि रिमोट तुम्हारे हाथ में आ जाए। और साथियों शायद यही हम देख भी रहे हैं, रिमोट हमारा दूसरों के हाथ में चला गया और दूसरे जो है हमारे फैसले करते हैं किसको क्या करना है, दूसरे फैसला करते हैं जिनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई मनुवाद से है और मनुवादी ही हमारे बारे में फैसला कर रहा है कि भाई कंकल जी ये काम करेंगे, मौर्य जी ये काम करेंगे, महेश जी ये काम करेंगे, सुरेश जी ये काम करेंगे। कांशीराम जी की जो सोच थी, कांशीराम जी की जो विचारधारा थी वो एकदम उलट गई। 93 में एक इंटरव्यू दिया गया था कांशीराम जी का, कांशीराम जी से पूछा गया कि आप ब्राह्मणों को बनियों को और ठाकुरों को अपने मिशन में नहीं लेते, तो साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं अभी अपने घर को साफ कर रहा हूं, मैं अपने घर में अभी पोछा लगा रहा हूं, मैं अपने घर के दीवारों को अभी पुताई कर रहा हूं, मैं अपने घर के भी छत ठीक कर रहा हूं, मैं अपने दीवारों में भी पिलर का इंतजाम कर रहा हूं, और वो पिलर छत लिपाई पुताई क्या थी, मैं अभी अपने समाज को इकट्ठा कर रहा हूं, मेरे घर में भी ऐसी जगह नहीं है कि मैं किसी को बिठा सकूं। सीधा सीधा सा संदेश था। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि मेरे घर में अभी ऐसी जगह नहीं है कि मैं इनको अपने घर में ला सकूं। मैं
इन शब्दों के साथ में आज माननीय साहब काशीराम जी की पुण्य तिथि तो नहीं कहूंगा, महापरिनिर्वाण दिवस कहूंगा, दसवां परिनिर्वाण दिवस है उनका। और परिनिर्वाण दिवस के बारे में भी बताना चाहता हूं मैं। परिनिर्वाण उसको कहते हैं जब इंसान अपने लिए तो खुद इस दुनिया से चला जाता है, मगर उसके विचारों से समाज के लिए चेतना जागृत होती है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ छोड़ करके जाता है, बुद्धिस्म में उसे परिनिर्वाण कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके विचारों में। मैं श्रद्धांजलि देता हूं माननीय साहब काशीराम जी को। 98 में 1000 कार्यकर्ताओं के घर पे उन्होंने झंडे लगाए थे। मैं छोटी सी थोड़ा सा और घटना बताना चाहता हूँ, उस संत की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो हमने खुद अपनी आंखों से देखी। 98 में झंडे लगा रहे थे, मैं उस समय का हॉस्टल में रहता था, स्टूडेंट था, लॉ का अंतिम ईयर था मेरा। मैं हॉस्टल से आता था, समय निश्चित होता था, 3:30 बजे हम साहब को लेकर के चलते थे। गाड़ी में होते थे, जिप्सी होती थी, जिप्सी आगे आगे होती थी और साहब की कॉन्टेस्ट पीछे होती थी। उस समय पहले ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि हम तो खाना खा करके वहां से आते थे, हॉस्टल से खाना खाए, गाड़ी में बैठे, साहब को लिया, चल दिए प्रोग्राम। प्रोग्राम लगे हुए होते थे, घंटे डेढ़ घंटे या पौन घंटे के बाद में हम प्रोग्राम पे पहुंच जाते थे, जहां पे मीटिंग का समय होता था। मीटिंग साहब को लिया, कार में से निकाला, सीधा मंच पे चढ़ा दिया, और मंच से भाषण देने के बाद में घंटे डेढ़ घंटे के बाद में फिर लेकर के दूसरी जगह को चल दिए। ना तो कोई ये पूछता था कि साहब आपको प्यास लगी है, ना कोई ये पूछता था कि साहब आपको भूख लगी है, साहब आप पानी भी पिएंगे, साहब आप खाना भी खाएंगे, कोई नहीं पूछता था। और हम भी बेवकूफ थे, हमें भी ध्यान नहीं था। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमें भी ध्यान नहीं था इस बात का, क्योंकि हम तो हॉस्टल में खाना खा करके आते थे, ऐसी समस्या होती नहीं थी हमारे साथ। एक दिन का बात के हमने साहब को लिया 3:30 बजे दिन में, और रात को 12:30 बजे जब छोड़ करके कोठी से आ रहे थे, तो अगले दिन का शेड्यूल लेना भूल गए। और अगले दिन का शेड्यूल लेने के लिए जैसे ही वापस गए, तो हमने देखा कि साहब एक टिफिन में से रोटियां निकाली, सूखी हुई रोटियां, पता नहीं कैसे उनकी सूखी हुई थी, कुछ भी मिला नहीं उनको खाने के लिए। रोटियों को पानी डाल डाल करके वो सीधी कर रहे थे, पानी डाल रहे थे और रोटियों को सीधी कर रहे थे। हम बातों में मस्त, उस समय पर भी हमें ध्यान नहीं था, हम बातों में मस्त, वो रोटियां सीधी करके मुलायम सी हो गई और रोटियों को खाने लगे। ठीक, ना कोई सब्जी थी, ना अचार थी, ना कोई मिर्ची था, ना कुछ प्याज। तो साथियों, ये एक वाक्य जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो मैंने आपके सामने बयान किया कि हमारे इन संतों ने इस तरीके से काम किए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं उनके लिए, ये हमें आज ही निश्चित करना है। और कैसे करना है ये भी आज ही निश्चित करना है। इसी इन शब्दों के साथ में ये मैंने एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखा है। सभी साथियों को जय भीम, धन्यवाद। मदन लाल जी अपने अधिकार पर है।